नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल माय स्टोरी सीरीज में आपका स्वागत करता हूँ। माय स्टोरी सीरीज में अपनी स्टोरी बतला रहे हैं रामजी अग्रवाल, रहने वाले कानपुर के हैं, फिल्म लाइन में काम करते हैं और टीचर भी हैं, बच्चों को ड्राइंग भी सिखाते हैं। नमस्कार, मैं रामजी अग्रवाल, मैं एक पेशे से आर्टिस्ट हूँ और तकरीबन 1984 से मैं फिल्म लाइन में एज ए आर्ट डायरेक्टर का काम कर रहा हूँ और मैं आर्ट के एग्जीबिशन भी करता हूँ, पेंटिंग एग्जीबिशन, प्लस जो बच्चे लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए उनको ट्रेनिंग देता हूँ, जैसे फैशन डिजाइनिंग हो गया और इंटीरियर का हो गया, इंजीनियरिंग का हो गया या एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एग्ज़ाम का हो गया, इन सबको बेसिकली ट्रेनिंग देता हूँ। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और हमारे पापा एक व्यापारी थे और राशन का दुकान भी चलाते थे और हम लोग चार भाई बहन हैं और हमारी मम्मी एक्चुअली क्राफ्ट टीचर थी, उनका क्राफ्ट बहुत अच्छा था जिसकी वजह से कुछ उनसे मुझे प्राप्त हुआ है। और मैं कानपुर में ही पढ़ा लिखा हूँ और वो GDGS इंटर कॉलेज है, वहाँ से मैंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है और वहीं के टीचरों के बोलने के हिसाब से कि हमारी ड्राइंग बहुत अच्छी है, मैंने ये प्रयास किया कि मैं अच्छा आर्टिस्ट बन जाऊं और उन लोगों का इसमें बहुत सहयोग है जिसके से मैं आज आर्टिस्ट का काम कर रहा हूं। आपने पहली बार कब ड्राइंग बनाया था? हाँ, मैंने जब 8वीं क्लास में था तभी मैंने फर्स्ट टाइम ड्राइंग बनाई थी, कॉलेज के मालिक की, जो वहाँ के ऑनर थे उनकी मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी, जिसके अंदर सब लोगों ने टीचर लोगों ने देखा और उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि आपका ड्राइंग बहुत अच्छा है, आप इसमें आगे और कोशिश कीजिए ताकि आगे तुम बढ़ सको। आपका बम्बई आना कब और कैसे हुआ? मैं यहाँ पे आया था 1982 में फर्स्ट टाइम और मुझे यहाँ पे भेजा गया है, मैं खुद से नहीं आया हूँ। मुझे वहाँ के कुछ लोगों ने बोला तुम्हारा ड्राइंग बहुत अच्छा है और आगे सीखने के लिए आप बॉम्बे जाइए, तो मैं यहाँ बॉम्बे आया। पर बॉम्बे में फर्स्ट टाइम मैं पहले लिंक स्टूडियो में गया जहाँ पोस्टर डिजाइनिंग होती थी और वहाँ पे मुझे एक ट्रायल के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा जी का पोर्ट्रेट दिया गया था बनाने के लिए, मैंने बनाया था वाटर कलर से, लेकिन बेसिक मुझे ठीक से आता नहीं था कि वाटर कलर से कैसे बनाते हैं। लाइकनेस तो बराबर थी, शत्रुघ्न सिन्हा लग रहे थे लेकिन वो अनुभव नहीं था उसका कि कलर का चलाने का तरीका क्या है। उसके बाद में फिर वहाँ कुछ अपना जमा नहीं, तो उसके बाद में फिर आया पृथ्वी सोनी जी के पास जो पोस्टर डिजाइनर भी थे और एक्टर भी थे, उनके पास मैंने फिर कुछ दिन काम किया। उसके बाद में फिर एक राष्ट्रकवि सनम गोरखपुरी जो मेरे से क्लैप बनवाते थे अक्सर पिक्चरों का, तो वो उन्होंने मेरा काम देखा और मुझे फिल्म लाइन में लेके आए। उस समय वो बना रहे थे भगवान बनो शैतान नहीं, इंदिरा जी के ऊपर, तो इंदिरा जी के ऊपर जो पिक्चर बन रही थी उसमें मुझे एक्टिंग भी करवाया था, प्लस मैंने आर्ट का भी काम उसमें देखा था, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और उसके बाद में फिर हमें किसी पहचान वाले ने बाबा आर्ट डायरेक्टर से मिलवाया, सुनील सिंह से, और मैंने फर्स्ट टाइम फिर फिल्म लाइन में उनके साथ एज ए असिस्टेंट में अप्रेंटिस में मैंने डकैत पिक्चर में काम किया। क्या काम करते थे उसमें आप? वही मतलब सेट डिजाइनिंग में, आर्ट डायरेक्शन में, और कुछ आर्ट वर्क भी जो कुछ होता था वो मैं बना देता था उनका। तो आप तो कानपुर से आए थे ड्राइंग सीखने के लिए, हाँ, वो कहाँ कब हुआ? तो वो फिर मैंने जैसे पृथ्वी सोनी के पास काम किया तो उससे मुझे अनुभव हो गया कि पोस्टर डिजाइनिंग कैसे करते हैं। उसके बाद में दादर में मैं बैनर डिपार्टमेंट में चला गया जो बाबू भाई का है कबूतर खाना में, वहाँ मैं पिक्चर के बैनर्स बनाने लग गया और ऐसे करते करते धीरे धीरे फिल्म लाइन में भी आ गया और फिल्म लाइन का आर्ट डायरेक्टर भी बन गया। और मैंने आर्ट की शिक्षा भी यहीं से ली है, मैंने ATD किया है खारी टेक्निकल कॉलेज से,
और मैंने फॉर्म भरा था यही भेंदर के जरिए, एक हमारे सर थे जादव सर, उन्होंने फॉर्म भरवाया था। तो मैंने ATD फॉर्म भी वहाँ से फिलअप करके और मैंने ATD किया और वर्क एक्सपीरियंस भी किया मैंने, तो ये दो डिग्रियाँ मेरे पास है उसकी। आप कानपुर से जब यहाँ आए थे हाँ। तो क्या आपने सोच रखा था कि फिल्मों में काम करूंगा? नहीं मैंने हाँ मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फिल्मों में भी जाके काम करूंगा। ये तो इत्तेफाक है कि ऊपर वाले ने चाहा और मैं राष्ट्र कवि सोनम गोरखपुरी से मिला, जिन्होंने मुझे फिल्म लाइन का रास्ता दिखाया। और जब मैं वहाँ आया काम करने के लिए तो फिर पहले मुझे मुलाकात हुई आर्ट डायरेक्टर ललित नाग से, जो उस समय शत्रुघ्न सिन्हा जितेंद्र को लेके एक पिक्चर बना रहे थे जगदीश सदाना की, तो वहाँ भी लेके गए। तो जब मतलब थोड़ा सा काम कर चुके थे लेकिन मेरे पास कार्ड नहीं था, तो कार्ड के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने फॉर्म भरा और RK हांडा जी से बात की कि मेरा मेंबरशिप ले लो। तो मेंबरशिप बनाने के लिए बोले कि ऐसा जल्दी कोई नहीं करता है ये वो सब। तो मैंने बोला कि भाई ऐसा नहीं है, मुझे काम आता है, मैं आर्टिस्ट हूँ और मुझे काम आता है। तो बोले नहीं, इतनी जल्दी कैसे आप कार्ड बना सकते हो, अभी अभी आए हो और इतनी जल्दी आपको कार्ड चाहिए। लेकिन फिर एक दिन आर के हांडा का कोई शूट था और वो फंस गए उसमें, उनको पोर्ट्रेट चाहिए थे बना के, तो किसने बना के दिए नहीं। लास्ट में मेरे पास ही आदमियों को भेजा कि मेरा सुबह शूट है और आप मुझे पोर्ट्रेट बना दो। 11 पोर्ट्रेट चाहिए थे उनको, तो एक नाइट में मैंने 9 पोर्ट्रेट उनको फिनिश करके दिए। जब ही जाके वो इम्प्रेस हुए और उन्होंने फिर मेरा कार्ड बना दिया। तो कार्ड मेरा 90 में अप्रेंटिस का बना था, उसके बाद 2 साल बाद फिर मेरा असिस्टेंट का बना और 94 में मेरा इंडिपेंडेंट आर्ट डायरेक्टर का कार्ड बना। और तब से मैं इंडिपेंडेंट कुछ फिल्में भी करने लग गया, सीरियल एड्स ये सब किए। आर्ट डायरेक्टर होता क्या है? आर्ट डायरेक्टर में बेसिकली जिसको आर्ट का सभी नॉलेज हो A to Z वो आर्ट डायरेक्टर होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेट रिक्वायरमेंट पूरी करना, सेट डिजाइनिंग करना, लेआउट बनाना, फाउंडेशन प्लान बनाना, कैसा आपको सेट चाहिए उसके हिसाब से आप उसका प्लान बनाएं और उसका डिजाइन करें। बाद में फिर ये फाइनली जब सब तैयार हो जाता है, पास हो जाता है, तब सेट लगाया जाता है। और सेट लगाने में बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, जैसे हमारे मिस्त्री हैं, कारपेंटर हैं, बैकग्राउंड आर्टिस्ट हैं और मोल्डर हैं, ये सब मिला के टीम वर्क होता है, तभी जाके हमारा आर्ट डायरेक्शन कंप्लीट होता है। और इसमें हर सीन के हिसाब से रिक्वायरमेंट की जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा किया जाता है और अच्छे से अच्छा जो भी हो सकता है सेट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो काम करते हैं। एज एन आर्ट डायरेक्टर आपकी जो अभी तक जर्नी रही उसमें सबसे यादगार काम कौन सा रहा, किस फिल्म का या किस सीन का? ये हमारा जो मैं खिलाड़ी तो नाड़ी है, इसमें लीलाधर सावंत थे आर्ट डायरेक्टर और उन्होंने मुझे एज ए असिस्टेंट में, हम लोग 3 असिस्टेंट थे उसमें, तो उसमें से एक हम थे जिन्होंने मुझे फिल्म सिटी में सेट दिया था करने के लिए, जिसमें सैफ अली खान जाते हैं और अक्षय कुमार, सैफ अली खान गाड़ी लेके नीचे उतरते हैं और उसमें फाइटिंग सीन होता है, गोडाउन का था, वो सब किया था। और फिर अपना महबूब स्टूडियो में भी एक गाना था, उसका भी थोड़ा आधा काम किया मैंने। और एक अपने SNDT कॉलेज में एक सेट था सैफ अली खान के गाने का, उसका पूरा सब मैंने किया था। तो इस तरह से उसमें मैंने किया जो बहुत अच्छा था। और अभी 2 साल पहले भी मैंने एक ये किया था, अपना एक टॉक शो था जो डॉक्टर गुप्ता है वहाँ पे माउंट आबू में, ओम शांति वाले उनका था इंटरव्यू, तो उसका टॉक शो मैंने किया था, सेट लगाया था उधर। और ऐसे तो मारवाड़ी पिक्चर मैंने की है लाड़की, जिसमें नीलू हीरोइन है,
और वो जोधपुर में पूरी शूटिंग की थी। फिर इसमें एक अभी गप्पा चक्रू के साथ असिस्टेंट में मैं किया था चाहत पिक्चर में, शाहरुख खान है जिसमें, वो हमारे जयपुर में भी जाके शूटिंग किया था हमने, जयगढ़ किला वगैरह में। और ऐसे ऐड मैंने बहुत किए हैं, ऐड फिल्म में तो मैंने एनीजॉय फिल्म बैनर के नीचे बहुत सारे सैकड़ों ऐड कर डाले मैंने कलकत्ता के, 50% ऐड मेरे थे, जिसमें यहाँ के प्रिया गोल्ड बिस्किट है और एमसील है, दूसरा ब्राह्मी आंवला केस तेल है, 5-star चॉकलेट है, सर्फ है, इस तरह से बहुत सारे ऐड मैंने यहाँ पे किए हैं। आप खुद आर्टिस्ट रहे, आर्ट ऐसे करते रहे, पढ़ाते भी हैं, इतनी अच्छी पेंटिंग्स करते हैं, तो आपके घर में आपने किसी को अपनी तरह तैयार किया है या किसी को इंटरेस्ट है इसमें? हाँ, आर्ट में मेरे कई बच्चों को तैयार किया है, जैसे मेरे छोटे भाई को आर्टिस्ट बनाया, वो भी आर्ट वर्क करता है, मेरे भतीजे को आर्टिस्ट बनाया, वो भी आर्ट वर्क कर रहे हैं, कानपुर में करता है वो सब कानपुर में, पहले बॉम्बे में ही थे, और फिर बाद में जब फ्लैक्स वगैरह आ गया, यहाँ पे काम कम हो गया, तो मैंने फिर उनको सबको कानपुर भेज दिया, तो भी सब कानपुर में करते हैं। और ऐसे तो बहुत सारे बच्चे लोग क्लास चलाते हैं सीख के, एक लड़का है जो गुजरात में आर्ट टीचर भी है, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी है, इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे बच्चे आते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो पेड भी नहीं कर पाते, तो उनको भी मैं फ्री सेवा देता हूँ। आपके घर में कोई इसमें इंटरेस्ट रखता है, करता है काम? हाँ, घर में मेरा छोटा भाई है, मेरी लड़की है, बड़ी लड़की है, वो भी करती है, एनिमेशन करती है, साथ में पेंटिंग का भी ऑर्डर लेती है कुछ कुछ। क्या नाम है लड़की का, बुलाइए उनको? रितु अग्रवाल। और ये भी स्केचेस वगैरह करती है ऑर्डर लेके, प्लस एनिमेशन करती है, और इसने अभी एक शॉर्ट फिल्म बनाई एनिमेशन में, तमस, ये बोरीवली उधर ऑफिस है, और इसको अवार्डेड भी है उसमें। दादा फाल्के साहब फिल्म फेयर अवार्ड मिला था उसको, तमस को। आपने कहाँ सीखा? मैंने बेसिकली ये मैक से कर रही हूँ, बोरीवली मैक से। और तमस जो हमने किया वो हम लोग का एक्चुअली 24 FPS में हम लोग ने पार्टिसिपेट किया था, उसके लिए हम लोग बना रहे थे, एंड उसको फिर बाद में जब दादा साहेब फाल्के अवार्ड के उसमें भेजा गया, तो उस टाइम पे उसे फिल्म फेयर का अवार्ड मिला हम लोगों को। वाह। और उसके बाद तो अभी मेरा प्रैक्टिस चल ही रहा है, कोर्स खत्म नहीं हुआ है। और कोई इंटरेस्ट रखता है घर में?
घर पे हाँ मेरी छोटी बहन कर रही है, वो फिलहाल मास मीडिया किया है उसने, तो उसका अभी अभी ग्रेजुएशन हुआ है। और बाकी मैं पोर्ट्रेट्स करती हूँ एज एन लाइक ऑर्डर बेसिस पे करती हूँ, ऐसे पर्सनल नहीं बनाती ज़्यादा, ऑर्डर बेसिस पे रहती।